नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बिहार में सियासी हलचल के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल के 26 मंत्रियों ने ली शपथ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी ने दिया इस्तीफा, बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर भड़के अखिलेश, कहा एमएलसी तोड़ना राजनीतिक भ्रष्टाचार। गुजरात कांग्रेस में 6 विधायकों के टूटने के बाद मचा हड़कंप, पार्टी ने बेंगलुरु भेजे 40 विधायक, बीजेपी पर लगाया षड्यंत्र रच विधायकों को तोड़ने का आरोप। बिहार में महागठबंधन टूटने पर बीजेपी पर लाल हुए लालू, कहा बीजेपी ने साजिश में फंसा नीतीश को बरगलाया, आरजेडी से डरकर बीजेपी ने कराई महागठबंधन में टूट। कश्मीर में अनुच्छेद 35A को लेकर सीएम महबूबा मुफ्ती की चेतावनी पर केंद्र का जवाब, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले बाकी राज्यों की तरह कश्मीर में भी लहराएगा तिरंगा। डीआरडीओ ने तैयार किया देश का पहला मानव रहित टैंक मंत्रा, रिमोट से संचालित टैंक की नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी तैनाती, राजस्थान में किया गया था परीक्षण। समुद्री सीमा की सुरक्षा होगी और मजबूत, आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात होंगे 57 फाइटर प्लेन, फ्रांस रूस और अमेरिका से होगी 75,000 करोड़ की मेगा डील। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में धमाका, विस्फोट में 4 लोगों की मौत, 6 घायल, पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा, धमाके के कारणों का अभी खुलासा नहीं। पाकिस्तान में शरीफ की कुर्सी जाने के बाद नए पीएम को लेकर सस्पेंस खत्म, शाहिद अब्बासी होंगे पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री, पाक के पेट्रोलियम मंत्री हैं अब्बासी। और गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत, भारत ने श्रीलंका को 304 रनों से हराया, भारत ने दिया था 550 रनों का लक्ष्य। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।